सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्लांट सेल होती है उसमें सबसे खास बात यह होती है कि उसमें एक सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल वॉल होती है वो भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो इसके पास क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। किसके पास? एक प्लांट सेल के पास ही एक सेल वॉल होती है, और वो किससे बनी होती है? वो सेलुलोज से बनी होती है। अब सेल वॉल है कहाँ, चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है ये वाला, ये तो यही क्या है, ये पूरा है सेल वॉल। ये मतलब कि ऐसे जहाँ तक भी चले जा रहा है, सॉरी ये आउटलाइन के बाहर चला गया, ये मतलब कि ये जो है ये पूरा हमारा क्या है, यही है हमारा सेल वॉल। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा सेल वॉल कहाँ पाया जाता है। अब देखिए, हमेशा कई बार लोग इस बात के कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि भाई मान लो ये प्लांट सेल है और तब ये हो गई उसकी सेल वॉल और ये हो गई उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला स्ट्रक्चर है, उसे मैं ब्लैक कलर से मार्क करने जा रहा हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसके नीचे वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब से आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो वैसे भी इसमें समझना क्या है, इसमें हमें सिर्फ देखना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के देखने के बाद तो हम लोग इन्हें बारी बारी से पढ़ेंगे, तो खुद इनका जूम करके स्ट्रक्चर देखेंगे। मतलब कि पहले ही हम सेल को जूम कर रहे हैं, तो इनका ये कंटेंट दिखाई दे रहा है, अब इन कंटेंट को भी हम जूम कर करके देखेंगे। तो खैर, वो सब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो आ जाता है, सॉरी ये जो आ जाता है, ये होता है फ्री राइबोसोम्स। मतलब कि ऐसे, मतलब कि नहीं दिख रहा है, मतलब आवारा है यार ये लोग, मतलब समझ रहे हैं ना, ये लोग देखिए रोमिंग कर रहे हैं, मतलब कि वैसे ही घूम रहे हैं। तो इन्हें बोला गया फ्री राइबोसोम्स। ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका वर्क मैं आप लोगों को बताऊँगा और एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। सिर्फ पेशेंस रखने की आप लोगों की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद ये जो वाला जो स्ट्रक्चर आ जाता है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन, इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक। तो मैं आप लोगों को बहुत थोड़ी थोड़ी सी जानकारी भी देते जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाता है, इसे बोलते हैं वैक्यूल, और ये जनरली एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इन सभी बातों को नोट करते रहिए, इसे कहते हैं वैक्यूल, ये जनरली एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसे कभी कभी फूड वैक्यूल के नाम से भी, मतलब कि कोई रिफ़र कर सकता है, तो कन्फ्यूज ना हो, ये कोई बड़ा नाम नहीं ले लिया फूड वैक्यूल, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे सामने वैक्यूल। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये होता है ER, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। तो स्मूथ वाला भी यहीं कहीं पे होगा आसपास, अभी हम लोग उसे देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा न्यूक्लियस का। किसका स्ट्रक्चर? न्यूक्लियस, मतलब कि ये हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियस का। अब इस न्यूक्लियस को जब हम लोग और जूम करके देखेंगे, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और मतलब वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो है, शायद यहाँ पे यस गायब हो गया है, ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन ये? अभी रुकिए, मैं उसे दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी कलर की मिक्सिंग हो चुकी है। तो ये जो है, ये है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एक पार्ट है, ठीक। तो इन दोनों के वर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। अब उसके बाद, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में समझाया था, इस वीडियो में अभी आप लोगों को उसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत कम ही लोगों ने शायद उसे देखा था। तो देखिए, मान लीजिए कोई सेल है। अब इस सेल के अंदर अब जितना भी बचा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग किसका क्या नाम दे देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं ये है साइटोप्लाज्म। अब मान लीजिए इसी के ऊपर कोई अलग से चीज़ आ गई, जिसे मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ। मान लीजिए आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया वैक्यूल, ये आ गया प्लाज्मा, सॉरी ये आ गया यहाँ पे गोल्गी अपर्टस, और ये आ गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमारे सामने बसता है, इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये पूरी सेल भर में फैला होता है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म कौन सा है,
जो वो है जो बचा बचा है, ये हुआ साइटोप्लाज्म, ये हुआ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म ही साइटोप्लाज्म भाई, पूरी सेल साइटोप्लाज्म से ही भरी है, मतलब क्या बोलें। ठीक, उसके बाद ये जो आ जाता है, ये आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसका यूज़ तो बच्चा बच्चा जानता है, मतलब हम पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो यही है क्लोरोप्लास्ट, ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, इतना तो पता होगा ही। अब देखिए, तो बस यही था पूरा स्ट्रक्चर, मैंने आपको सब कुछ लगभग बता ही दिया है, बाकी जो भी बचा होगा वो हम लोग आगे कवर करते रहेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं इतने डिटेल में समझाता हूँ और आपको चीज़ों को रिवाइज भी कराता हूँ, मतलब अभी मैं आप लोगों को इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दिया हूँ, फिर बाद में भी बताऊँगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा, आप लोगों का मतलब कि बैकअप बना रहेगा और आप लोगों को याद भी रहेगा। ठीक, सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।